SN Live सच सबसे आगे। सिवान में बमबारी कर स्वर्ण व्यवसायी से लूट मामले में एक गिरफ्तार। दारोंदा थाना क्षेत्र के मांझी बरोली मुख्य पथ पर डिब्बी बाजार में 29 जनवरी 2022 को दिनदहाड़े बमबारी कर स्वर्ण व्यवसायी से 1 लाख के आभूषण लूटने के मामले के एक आरोपित सारण के वांछित बदमाश मैनानट को एसटीएफ व दारोंदा थाना की पुलिस ने सारण की जनता बाजार में छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रभाकर ने बताया कि एसटीएफ एवं दारोंदा पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार की देर शाम जनता बाजार में छापेमारी कर बदमाश मैनानट को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मैनानट पर सिवान एवं सारण के जनता बाजार, रसूलपुर, महाराजगंज, एकमा आदि थाना में कई संगीन मामले दर्ज है। उन्होंने बताया कि डिब्बी बाजार निवासी शिव कुमार सोनी के आभूषण दुकान पर 29 जनवरी 2022 को बदमाशों ने दिनदहाड़े बमबारी कर करीब 1 लाख की संपत्ति लूट की घटना को अंजाम दिया तथा घटना के बाद बदमाश सारण के चनचोरा बाजार होते हुए भाग गए थे। इस मामले में प्राथमिकी दारोंदा थाना कांड संख्या 28/2022 कराई गई थी। इस मामले में पुलिस अब तक 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस मामले में पुलिस पूर्व में सारण के जनता बाजार के समीप दयालपुर से अप्रैल 2022 में बुधा नट को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं 1 फरवरी 2022 को इसी मामले में जनता बाजार के समीप दयालपुर गांव से बबलू नट एवं कंचन नट को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार मैना नट को सोमवार को जेल भेज दिया गया। इस घटना में शामिल अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। विदित हो कि थाना क्षेत्र के डिब्बी चनचोरा बाजार में 29 जनवरी 2022 को बदमाशों ने दिनदहाड़े बमबारी कर दहशत फैलाकर आभूषण दुकान से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में डीआईजी, एसपी सहित अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी लूट गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी करने में जुटे हुए थे। सिवान से एसएन लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने